का कहर जारी है। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ के पास एक ट्रक और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर और खलासी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पिकअप वैन का चालक और खलासी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दुर्घटना में तेज रफ्तार से आ रही पिकअप वैन पलटी खा गई और सामने से आ रही ट्रक में जा टकराई। इस दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय लोगों ने ट्रक में फंसे ट्रक ड्राइवर और खलासी और पिकअप में फंसे चालक और खलासी को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। वहीं पिकअप वैन के घायल को इलाज के लिए जहां नालंदा मेडिकल कॉलेज भेजा गया, वहीं ट्रक चालक और खलासी को भी इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरों में सड़क पर पिकअप वैन पलटा हुआ पूरी तरह क्षतिग्रस्त दिख रहा है। बताया जाता है कि मारूफगंज मंडी से किराना का सामान लोडकर ट्रक चला था और गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ के पास दोनों में आमने सामने से टक्कर हो गई। ट्रक पर किराना सामान लोड था और मारूफगंज मंडी से पालीगंज के लिए जा रहा था। स्वर्ण रानी के साथ रत्नेश राज की रिपोर्ट। साइड से हम लोग आ रहे थे तो देखिए ड्राइवर बोला कह रही गाड़ी पिकअप वाला बहुत स्पीड में आ रहा है। जैसे ही ब्रेक लेने में हम लोग ब्रेक लेके गाड़ी जैसे ही मतलब पूरा बाएं काटे पूरा तो वहाँ 50 मीटर दूरी वो गाड़ी पलट गया। पलटते हुए सरसराते हुए गाड़ी आती इसमें मारा। कितने लोग घायल हुए हैं सर? हम मेरे तो दो आदमी घायल है, हम भी चोट लगा हुआ पूरा पैर में भी हाथ। क्या नाम है घायल का दोनों का? घायल का एक संतोष कुमार नाम है, अनिल कुमार। आप क्या हुए? ट्रक जी मैं ट्रक। क्या नाम हुआ? दिलीप। कहाँ जा रहे थे ट्रक लेकर? मारूगंज से माल लोड करके पालीगंज जा रहे थे। क्या लोड है माल? इसमें किराना आइटम। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।